अभी कभी भी मेरा प्रिपरेशन काफ़ी नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन मैं क्लियर कर लूँगा उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा प्रिपरेशन जो था वो सही था। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसा पूछेगा, इट डजंट मैटर। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तुम ये रखो दिल में विश्वास कि मैं जरूर कर लूँगा, क्योंकि तुमने सारे सेक्शन सारे सिलेबस कवर किए हैं। मायने ये रखता है कि तुमने जो पढ़ा है उसको सही से वहां पे जाके पुट करके आओ। क्वेश्चन टफ नहीं हुआ, तो पढ़ते हैं ना वही में गलत करके आते हैं, और इसीलिए हमारा वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसको सही से हमने वहां पे टिक नहीं किया है। एनसीईआरटी पढ़े हो तो तुम कर लोगे, बस दिमाग शांत करके वहां पे फोकस करना क्वेश्चन पे। 3 घंटे का समय है यार, बहुत समय होता है 3 घंटे का समय। इतना नहीं कि 3 घंटे में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सोचोगे आसानी से कर लोगे। अगर मैथ वैथ आता है तुमको, स्टैटिक्स जानते हो, या फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे पकड़ है, तो तुम वैसे भी क्लियर कर लोगे। फ्री रहो, बस 20+ मार्क्स आने चाहिए, 25+ मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। कि हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें आता है, हमें उनको लेके ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर चिंता में नहीं रहने की जरूरत है कि ये मुझे नहीं आता है। अरे भाई, किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को 100% ज़्यादा कुछ आया हुआ है क्या पिछले 10 महीने या फिर साल भर से? क्या पढ़ो, डजंट मैटर। अभी जो तुम पढ़ोगे ना वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, क्लिक करेगा तुम्हारे दिमाग में। और अभी जो तुम्हारे पास ये टाइम है, दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर यू फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन और ये जो IRM और ये जो तुम्हारे PASM होते हैं ना, अगर तुम 11-12 का NCERT पढ़े हो, डीडी बसु या फिर लक्ष्मी अगर में से कोई भी एक बुक पढ़े हो, तो भी तुम क्लियर कर लोगे। बस मेरा ही बोलने का मतलब है कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो दिमाग शांत करके। ऐसे थोड़े होता है कि नहीं होगा। अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, जब हम लोग IAS का एंट्रेंस देने जाते हैं ना, तो उसमें से ऐसे पहले देखोगे पेपर तो तुमको ऐसे लगेगा कि यार कुछ आता ही नहीं है। पेपर देखने के बाद लगेगा कि कुछ मुझे नहीं आता है, लेकिन जब तुम देना शुरू करते हो ना और जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तो लगता है तुमको यार मुझे तो आता है एक्चुअली। बोलो कि मुझे 75-80 ही करना है और वही मुझे सही करना है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 100 के चक्कर में कभी मत पड़ो, कभी भी। तो मैंने क्या रखता है, मैंने ये रखता है कि जो तुमने पढ़ा है उसको अपने दिल में ये बिलीव रखो लेके कि मैं सही कर लूँगा, मैं जरूर क्लियर कर लूँगा जेएनयू, मैं जरूर सिविल का एंट्रेंस जो होने वाला है 27 जून को, वो मैं क्लियर कर लूँगा। तुम जरूर क्लियर कर लूँगा।